मणिपुर में इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर 22 अप्रैल को फिर से वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने 20 अप्रैल को इसे लेकर आदेश जारी किया। इन बूथों पर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में वोटिंग के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी। जिन 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी उसमें साजेब, खुरई, थोंगम, लेकाई, बामन कंपू नॉर्थ ए, बामन कंपू नॉर्थ बी, बामन कंपू साउथ वेस्ट, बामन कंपू साउथ ईस्ट, खोंगमान जोन बी, इबो शेम्बा, मगाम, लेकाई और सभी शामिल हैं। हिंसा प्रभावित मणिपुर की दोनों लोकसभा सीट इनर और आउटर मणिपुर सीट के लिए 19 अप्रैल को 72% वोटिंग हुई थी। चुनाव के दौरान कई बूथों पर गोलीबारी, ईवीएम में तोड़फोड़ और बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं भी सामने आई। बिष्णुपुर जिले के थमन पोपकी में मतदान केंद्र पर गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए। वहीं इम्फाल ईस्ट के थोंगजू के एक बूथ पर ईवीएम में तोड़फोड़ की खबर सामने आई। हालांकि हमला किसने किया ये पता नहीं चल सका। हिंसा की घटनाओं के कारण आयोग ने 11 बूथों पर वोटिंग को अमान्य घोषित कर दिया। हालांकि कांग्रेस ने बूथों पर कब्जा करने और चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए राज्य के 47 मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग कराने की मांग की थी। इनमें इनर मणिपुर के 36 और आउटर मणिपुर के 11 बूथ शामिल थे।